नमस्कार किसान भाइयों, किन्नू की खेती चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो जो है वो है पार्ट थ्री का, न्यूट्रिएंट्स पे। तो जिन किसान भाइयों ने पार्ट वन और पार्ट टू देखा है उनके लिए यह वीडियो पार्ट थ्री है, जिसमें हम जिंक और आयरन के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। पहले जान लेते हैं कि जिंक की आवश्यकता हमारे प्लांट को क्यों है, आयरन की क्यों है, और इसकी कमी और इसके लक्षण डेफिशिएंसी जो देखकर कैसे पता लगा सकते हैं कि यह जिंक की या आयरन की डेफिशिएंसी है, और साथ में कौन कौन से इसके जो न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी है, किस फॉर्म में हमें करवानी है, क्या डोज पर, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो जिन किसान भाइयों ने पार्ट वन और टू नहीं देखा, प्लीज़ आप उसको देखिए ताकि आपको टाइमलाइन और सब समझ में आ जाए सिट्रस के न्यूट्रिएंट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं जिंक के साथ। तो किसान भाइयों, जिंक जो है काफ़ी सारे मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, जैसे कि प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म है। मेटाबॉलिज्म का मतलब, जैसे मैंने अपनी पहले दो वीडियो में पार्ट वन और पार्ट टू में भी जिक्र किया था, एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी को कन्वर्ट करने को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। जिसका एग्जांपल, जैसे हम अपना ह्यूमन बीइंग है, खाना खाते हैं और एनर्जी हमें खाने से मिलती है। तो जो केमिकल खाना क्या है, एक तरह का केमिकल फूड ही है, जो हम फूड खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है, उसी चीज़ को हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो जिंक जो है कई सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो हमारे प्लांट्स में है उसको कंट्रोल करती है, जैसे कि प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म है, कार्बन की मेटाबॉलिज्म है, काफ़ी सारे इंजाइम्स का जो हिस्सा है वो जिंक है, जैसे पानी और कार्बनिक एसिड के बीच जो संतुलन बनाता है उसके लिए जो एलिमेंट रिक्वायर्ड है वो जिंक है। एक ऑक्सिन नाम का जो हार्मोन है, हमने पहले भी अपनी ग्रोथ रेगुलेटर वाली वीडियोज़ में डिस्कस किया था, उसका जो मेन एलिमेंट है, जो मेन पार्ट है, सेंटर पॉइंट जिसे हम बोल सकते हैं, वो जिंक है। अब इसकी कमियां देख लेते हैं कि हम अपनी इसकी डेफिशिएंसी सिट्रस में किस प्रकार से दिखती है और इसकी डेफिशिएंसी को कैसे हम डायग्नोज कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये जो अपनी लीफ देख रहे हैं आप, ये जो इरेगुलर क्लोरोसिस बोलते हैं, जो इसकी ये इसे बोलते हैं मिड रिब, बीच वाली इसको मिड रिब। ये जो हमारी वेन्स हैं ये डार्क कलर की होगी और बीच में जो है ये अपना येलो कलर शो करेगा। इसका मतलब ये है कि इसमें जिंक की कमी है। ये मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लीव अलग अलग आपको दिखाया है जिंक की कमी के जो जो कारण हैं वो आप इसमें देख सकते हैं। अब ये जो लीव है, इस लीव के अंदर येलोनेस आ चुकी है, इसको क्लोरोटिक भी बोलते हैं येलोनेस को, और साथ में जो मिड लीव वो डार्क ग्रीन कलर की रहेगी और जो सुपरफिशली वेंस हैं ये वाली, ये जो है ग्रीन कलर की रहेगी। तो इसकी आप से पता लगा सकते हैं कि ये जिंक की डेफिशिएंसी है। ज़्यादातर जिंक की डेफिशिएंसी एल्कलाइन जो अपनी सोयल्स हैं उनमें होती ही है, और हमारी नॉर्थ इंडिया में अगर हम बात करें अपने हरियाणा के सिरसा एरिया की, तो लगभग एल्कलाइन ज़मीनें हैं, तो जिंक की डेफिशिएंसी ऑलमोस्ट हर बाग में हमें देखने को मिलेगी। तो जो गवर्नमेंट PIU और HIU और नागपुर की तरफ से जो सिफारिशें की गई है वो ये हैं कि जिंक सल्फेट आप अगर 21% वाले लेते हैं तो उसकी जो डोज जाएगी 4.7 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर जाएगी। अगर हम जिंक सल्फेट लेते हैं 33% वाली हेप्टाहाइड्रेट की फॉर्म में तो उसकी डोज है 3 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर, और यदि हम चिलेटेड जिंक का यूज़ करते हैं तो उसकी डोज है 1 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर। अगर हम एक्सेसिव यूज़ ऑफ नाइट्रोजन का और फॉस्फोरस का करते हैं तो जिंक की डेफिशिएंसी हमें हमारे बाग में देखने को हमें मिल सकती है। और मल्डर चार्ट के अकॉर्डिंग अगर जिंक जो है हम ज़्यादा अमाउंट में देते हैं तो जो हमारे तीन एलिमेंट्स हैं जो प्रभावित होंगे वो ये हैं। मल्डर्स चार्ट के अकॉर्डिंग फॉस्फोरस, कैल्शियम और आयरन जो है वो ज़्यादा प्रभावित होंगे यदि हम जिंक की जो अमाउंट उसको स्प्रे में देनी है वो ज़्यादा रखते हैं। तो जितनी भी डोज मैंने आपको बताई है वो PAU पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना के अकॉर्डिंग है। डोसेज जो रहेगी वो जिंक सल्फेट 21% की 4.7 ग्राम प्रति लीटर वाटर, जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट या 33% जिंक जैसे बोलते हैं उसकी डोज रहेगी 3 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर, और चिलेटेड फॉर्म में जो जिंक 12% में आती है EDTA उसकी डोज रहेगी 1 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर। अभी हम बात करते हैं आयरन की। जो आयरन है उसकी अगर बात की जाए तो क्लोरोफिल के उत्पादन में जो सबसे मेजर इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट है वो है आयरन है। रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के
में जितने भी एंजाइम्स यूज़ होते हैं उसमें, जैसे मैगनीज मैंने बताया यूज़ होता है, जिंक का काम होता है, वैसे ही आयरन का रोल भी उसी में है। नाइट्रेट और सल्फेट की कमी में जो है वो आयरन उसमें शामिल रहता है। चूना युक्त मिट्टी जो रहती है, जैसे मैंने, अगर आपने किन्नो का फर्टिलाइजर शेड्यूल मेरा वीडियो देखा हो तो हमने एल्कलाइन ज़मीन की बात की थी उसमें, तो उसमें मैंने ये बताया था जिसमें अगर चूना ज़्यादा है तो वहाँ आयरन की डेफिशिएंसी रहेगी ही रहेगी, क्योंकि जो पीएच है वो 8.3। अब जैसे मैंने उसमें एग्जाम्पल दिया है, अगर पीएच लगभग 8.3 है, कैल्शियम कार्बोनेट अगर हाई है, तो जो मिट्टी में आयरन है वो पर्याप्त मात्रा में तो हो सकता है, लेकिन जिस फॉर्म में प्लांट को चाहिए वो फॉर्म उस आयरन की अवेलेबिलिटी नहीं करवा सकता। इसीलिए हम जो है आयरन की मैक्सिमम पूरे कोशिश करते हैं कि वो फॉलियर के द्वारा हम दे सकें। आयरन की कमी के लक्षण को लौह हरितहीनता भी के रूप में भी जाना जा सकता है, और जब यह चूने वाली मिट्टी पर होता है तो इसे चूने से प्रेरित हरितहीनता भी कहा जा सकता है। इसके जो लक्षण हैं वो न्यू लीफ पर देखने को मिलते हैं, जो हल्के पीले से सफ़ेद रंग के दिखाई देते हैं, साथ ही पत्ते के बाकी हिस्सों की तुलना में नसें जो हैं वो हरी रहती है। जो इसका अगर फ्रूट जूस के कंटेंट के बारे में बात की जाए तो रस में जो कम घुलनशील जो ठोस और जो एसिडिटी है वो रहती है, और जो जो फ्रूट का साइज़ है वो छोटा रहता है। जो इसके सिम्टम्स हैं लीफ पर देखने को मिलते हैं वो इस प्रकार हैं। देखिए किसान भाइयों, ये जो है बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी सा मामला है कि कौन सी डेफिशिएंसी हम इसमें डायग्नोज करें। अब जैसे इसके अंदर मिडरिब है, ये ग्रीन है, ये वाली भी ग्रीन है। पहले जो क्या मैंने बताया, जैसे अगर आप इस स्लाइड में देखें तो ये मैग्नीशियम की कमी के कारण, सॉरी, ये जिंक की कमी के कारण था। मिडरिब ग्रीन है और ये वाली ग्रीन है। अब इसी में देखिए, मिडरिब ग्रीन है और ये वाली ग्रीन है, लेकिन ये जो बीच वाले ये पोर्शंस हैं वो जिंक की कमी के कारण येलो थे। ये देखिए आप, ये जिंक की कमी के कारण येलो थे, लेकिन जो आयरन की कमी के कारण वो क्या होंगे, वो वाइट होंगे। ये आप देख रहे हैं, जैसे ये जो है थोड़ा येलोनेस नहीं, ये वाइटपन ज़्यादा है इसके अंदर। अब जैसे ये वाली लीफ है, ये मिड लीफ जो ग्रीन है, ये वाली वेंस जो है वो ग्रीन है, लेकिन जो बीच वाले येलो की बजाय थोड़ा हमें वाइटनेस उसमें ज़्यादा दिख रहा है। और जो अगर मल्डर्स चार्ट के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो आयरन जो है काफ़ी सारी चीज़ों पे एंटागोनिस्टिक प्रभाव छोड़ता है, जैसे कि कैल्शियम है, मैग्नीज है, कॉपर है, ये आपका फॉस्फोरस है। और इसका जो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट, मतलब अगर आयरन की हम डोज ज़्यादा रखेंगे उसको अपनी डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए, जैसे कि आयरन की डोज फेरस सल्फेट जो 21% में अवेलेबल है, 1.8 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर है। यदि हम 3 ग्राम 4 ग्राम रखते हैं तो एक तो क्या है, पत्तों के ऊपर हमें ब्लैक स्पॉट्स, जलने जैसे निशान दिखने को पड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें सल्फेट है। सेकंड, अगर हम इसको चिलेटेड फॉर्म में देते हैं, इसकी डोज 0.5 ग्राम से 1 ग्राम पर लीटर है, और उससे ज़्यादा देते हैं तो इसका जो एंटागोनिस्टिक इफेक्ट है, मतलब दूसरे एलिमेंट की अवेलेबिलिटी है, वो कैल्शियम पे, मैग्नीज पे, कॉपर पे, पोटाश पे और जिंक पे ज़्यादा देखने को मिलेगी, और सिनर्जिस्टिक इफेक्ट है वो मिलेगा आपको पोटाश पे देखने के लिए। तो किसान भाइयों, ये जो निर्धारित हमने डोज की है यूनिवर्सिटी के हिसाब से, आप इसी हिसाब से स्प्रे कीजिए। इसी के साथ हम पार्ट जो है R3 यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे बोरोन की, और हमारा जो लास्ट एलिमेंट है वो क्या है, कॉपर की।